बसमीम अल्लाम आलकम जी आज लेक्चर नंबर फाइव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर अ फील्ड और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो फर्स्ट कोर्स इन एबस्ट्रक्टर जबरा सेवेंथ एडिशन बाय फ्रॉले सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डूंग एल्गोरिथम फॉर एफ ऑफ एक्स एफ ओ फैक्स यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस right कर चुके हैं कि एफ ऑफ फील्ड और एक्स जो है यहाँ पे पोलोनोमियल को शो कर रहा है तो फील्ड इन पोलिनोमियल की फॉर्म में जो शो की जाती है उसको हम रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या है एफ ओ फैक्स है तो हम दो तरह के यहाँ पे पोलोनोमियल अगर लड़से एफ ओ फैक्स एक पोलिनोमियल है और जियो फैक्स एक पोलिनोमियल है तो डिवीजन एल्गोरिथम ये वही वाला डिवीजन एल्गोरिथम है जो कि हम ऑलरेडी पोलिनोमियल के लिए सॉल्व करना सॉल्व uh, सॉल्व करते हैं डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो पोलिनोम बिलोंग करेगा वो जो गिवन फील्ड uh, होगी उसके रिस्पेक्टिवली सॉल्व होगा बी एन बोथ नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास ए एन और बी एन जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे एम शुड बी ग्रेटर पोलिनोम

करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ क्यू क्वेश्चन होता है और आर जो है वो रिमाइंडर होता है यहाँ पे ये यह क्वेश्चन जो है वो भी पोलम्बिक के फॉर्म में है और रिमाइंडर भी की फॉर्म में है वेयर इधर आर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स तो हमें ऑफकोर्स पता है कि अगर हम डिग्री जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं एफ ओफ एक्स की रिस्पेक्टिवली जी ओ एक्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो जो डिग्री है वो अगर हमारे पास लेजर हो जाए तो फिर हम उसको वहाँ पे क्विट करते हैं या फिर आर ओफ एक्स जो है वो जीरो हो जाए तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जिसमें हम सेम इसी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे डिग्री एल्गोरिथम को और यहाँ पे हमें जो फील्ड गिवन है वो क्या है z5 फाइव ऑफ एक्स और हमने आ, क्या करना जी एफ हमें गिवन है एफ पावर फोर माइनस वन और जियो फैक्स हमारे पास एक्स स्क् माइनस टू एक्स प्लस हम जियो जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर है और एफ ओ फैक्स जो है वो डिनोमिनेटर है तो हम जियो फैक्स की रिस्पेक्टिवली हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्म क्या है एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस थ्री और हमने करना क्या है हम या तो आर ओ फैक्स जो है जो रिमाइंडर है या तो वो ज़ीरो बनाना चाहेंगे या फिर अगर ज़ीरो बन गया तो यहाँ तक ठीक है लेकिन या फिर हम क्या करेंगे कि एक्स जो जियो फैक्स है जो ये पोलोमेल है इससे अगर लेसर रिमाइंडर आ जाए अगर इसकी जो डिग्री है Uh, जो रिमाइंडर की रिमाइंडर पोलिन जो होगा उसकी डिग्री अगर जियो फैक्स की डिग्री से लेस आ जाती है तो वहाँ पे भी हम क्विट कर देंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स पार्ट फोर है और यहाँ पे हमारे पास एफ स्क्र है तो हम जो यहाँ पे पिक करेंगे वो क्या करेंगे हम एक्स स्वयर को पिक करेंगे एक्सक्र को अगर हम पिक करें तो हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह से होगी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास uh, जो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑफ कोर्स तो एक्स फोर एक्स फोर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन हो जाएगा टू माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा और ये फोर एज इट इज़ और आ, बाकी सेम एज इट इज़ आ जाएंगे नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक्स क्यूब को हमने एलिमिनेट करना है तो एक्स क्यूब को एलिमिनेट करने के लिए और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो ऑफ कोर्स हम नेगेटिव का साइन यूज़ करेंगे एक्स क्यूब हमारे पास यहाँ पे एक्सक्र है तो एक्स क्यूब बनाने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ एक्स यहाँ पे यूज करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस क्योंकि हम जो फॉलो कर रहे होते हैं हम जस्ट फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना चाह रहे होते हैं बाकी उसकी रिस्पेक्टिवली क्या फॉर्म बन रही है हमारा उससे कंसर्न है ये क्या आ जाएगी जी माइनस एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स ये सिंपल है हमें इसको माइनस एक्स को हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई अब देन हम अगेन क्या करना है जी यहाँ पे साइन चेंज होंगे ये कैंसल आउट हो जाएगा आ, अगर हम इसको बनाना चाहें तो वो क्या होगा जी आ, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा यहाँ पे अगेन प्लस आ जाएगा तो ऑफकोर्स ये प्लस करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगी इनको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्री माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ पे देखें अगर फोर प्लस थ्री सेवन हो जाएगा लेकिन अगेन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जेड है फाइव को तो जेड फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर जो जेड फाइव में सेवन जो है सेवन तो होता नहीं Z5 में सेवन क्या हो जाएगा सेवन की जगह पर रिप्लेस क्या आएगा टू आ जाएगा यहाँ पर और ये माइनस वन एज़ इट इज़ अगेन अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए यहाँ पे हमें चाहिए माइनस थ्री एक्स स्क्र चाहिए माइनस थ्री एक्स स्क्र तो यहाँ पे एक्सक्र तो ऑलरेडी है तो इसका मतलब हम सिर्फ माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास माइनस थ्री एक्स स्क्र आ जाएगा तो हमने माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करवाया पूरे पूरे को तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया अब अगेन यहाँ पे एक साइन क्या आएगा आ, प्लस का साइन आएगा यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा और यहाँ पे अगेन प्लस का साइन आएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा टू माइनस वन वन आ जाएगा और फोर माइनस वन थ्री आ जाएगा अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है ये बेसिकली आर ऑफ एक्स है आर ऑफ x जो हमारे पास आया है आ, हम इसको आर ऑफ एक्स क्यों कह रहे हैं हम आर ऑफ एक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रिमाइंडर है और इसकी जो डिग्री है वो ऑफ x की डिग्री से lesser है तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली ये आर ऑफ एक्स है तो हम अगर इसको uh, बताना चाहें तो uh, एक्चुअल में हमारे पास जो क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन है वो क्या है एक्स स्क्र माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री ये रहा ये हमारे पास क्या है ये बेसिकली हमारे पास क्यू एफ एक्स है ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है और ये हमारे पास आर ऑफ एक्स है हमें डिवीजन एलग्रिदम जस्ट ये बताता था कि हमने इसको जस्ट uh, और X की फॉर्म में कन्वर्ट करना था नेक्स्ट uh, जी हमारे पास फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमें क्या बता रहा है जी के एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एफ एफ ओ फील्ड इज आ जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ओफ एक्सोनोम एंड If and only if, sorry, if and only if क्या होगा? Uh, x minus a is a factor of f of x in f of x. अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि हमें जीरो का ऑलरेडी हमें पता है कि जीरो क्या होता है। जीरो अगर फ़ील्ड में जीरो की बात करते हैं तो हमारे पास जीरो क्या होगा? अगर हम ऐसा एलिमेंट जो कि f से हमने पिक किया है, और वो हमारे पास क्या होगा? अगर उस एलिमेंट को हमने क्या करना है उस एलिमेंट को हम उस पोलिनोमी में पुट करें और हमारे पास आंसर विद रिस्पेक्ट टू दैट फील्ड हमारे पास आंसर जीरो आ जाए तो वो उसका जीरो कहलाते हैं जो हमें ऑलरेडी जानते हैं अब वो बता रहे हैं कि अगर वो जीरोज हैं तो हमारे पास क्या होगा वो इफ एंड ऑनलीफ क्या होगा एक्स माइनस ए जो है उसका फैक्टर बन जाएगा उस एफ एक्स का इन एफ ऑफ एक्स तो कोर्स ये एक सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी चीज़ को फैक्टर बनाना चाहते हैं तो जो रूट्स होती हैं उसको हम अगर एक्स माइनस वन की फॉर्म में रूट को लिख दें तो उसको मतलब कि हम रूट को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है इन फैक्टर तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में कि हमारे पास जेडोफेक्ट हमने पे किया है फील्ड के रिस्पेक्टिवली और ये हमारे पास एक है है जो कि किससे बिलोंग बिलोंग करता है? जी Z5 के से करता जी के से है अब हमने क्या करना है जी हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास क्या होगा हमारे पास एक्स माइनस अगर वो जीरो एक ए बिलोंग करता है से जो कि इसको जीरो बना दे अभी हमें अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ऐसा चीज बिलोंग करती है और वो कौन सी चीज है यहाँ पे मैं पुट करू मेरे पास आंसर क्या आ जाए जीरो आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं वन प्लेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे वन ही आ जाएगा वन प्लस कलर चेंज कर लें जरा विजियो जो इजी रहेगा वन मतलब वन मैं यहाँ प्लेस करूँ तो वन पार फोर वन ही रहेगा प्लस थ्री थ्री इंटू वन वन ही रहेगा प्लस टू टू इंटू वन टू ही रहेगा प्लस फोर तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो जो होगी तो बेसिकली हमारे पास जो सम आएगा वो क्या होगा यहाँ पे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो सम आएगा वो इसका सम जो है वो इक्वल टू टेन होगा और टेन को हम अगर जेड फाइव की रिस्पेक्टिवली देखते हैं तो जेड फाइव की रिस्पेक्टिवली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी ये इसका आंसर आ जाएगा जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास आ, जो रूट आई है जो हमारे पास ए आया है जो कि केफ से बिलोंग करता है वो हमारे पास क्या है वो वन है यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको एक्स माइनस वन इन टू क्यू ऑफ एक्स लिख सकते हैं जैसे पहले क्वेश्चन किया था और इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें हमारे पास x माइनस ए जो है वो फैक्टर हो जाएगा इन तो हमने क्या किया यहाँ पे हमने अगर हमारे पास ये एक जीरो मिल गया है one क्या मिला है हमें जीरो मिला है जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वन क्या है वन इज अ जीरो ऑफ दैट पोलिनोम तो हमने क्या करना है जी x माइनस वन जो कि इस थ्योरम को फॉलो करते हुए x माइनस वन जो है वो फैक्टर बन जाएगा तो x माइनस वन को अगर हम फॉलो करते हैं x माइनस वन और ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो पोलिनोमियल हमने प्लेस कर दिया ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्स माइनस वन है दो यहाँ पे जो है टर्म है तो हम क्या करेंगे इसको सिर्फ यहाँ पे दो टर्म को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बाकी टर्म को एक तरफ लिख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे x4 चाहिए तो हमने x3 के साथ किया तो यहाँ पे ये अगेन सिंप्लीफिकेशन है जैसे इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है तो हम हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जहाँ जब हम इसको कम्पलीटली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या आ जाता है वो हमारे पास आंसर जो है वो जीरो आ जाता है तो नेक्स्ट हमने अब इसको कब तक लेके चलना है क्योंकि ये हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड चलेगा और इसके हम तब तक फैक्टर बनाते रहेंगे जब तक इसके फैक्टर बन सकते होंगे अब यहाँ पे हमारे पास अब नई जो टर्म आ गई है वो क्या आई है अब हमें पता है यहाँ पे एक्स माइनस वन इंटू क्यू ऑफ एक्स होगा तो एक्स माइनस वन इंटू क्यू एफ एक्स हमारे पास क्या है ये वाले सारे टर्म जो कि हमारे पास आंसर आया तो हमने ये वाले टर्म यहाँ प्लेस कर दी इन जेड फाइव तो हम अभी अब हमने क्या करना है अगेन हमने जीरो ढूंढा अगेन इसमें अगर हम जीरो ढूंढते हैं तो हमारे पास आंसर कहता है वन प्लस फोर प्लस फोर प्लस वन तो अगेन हमारे पास जो आंसर है अंडर जेड फाइव क्या आएगा जीरो आ जाएगा क्योंकि ये हमारे तो अगेन हमारे पास क्या बनेगा टेन बनेगा और टेन अंडर लॉन्ग से हमने इसको solve किया, solve करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया जीरो आ गया तो फिर से हम क्या ले सकते हैं इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं पहले हमारे पास एक एक्स माइनस वन आ चुका था अब इस टर्म को सॉल्व किया तो अगेन क्या लिखेंगे एक्स माइनस वन इन टू एक्स फोर तो हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाएगी टर्म वो क्या होगी अब हम एक्स स्क्वेयर प्लस फोर को हमें डील करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू अगेन हमें फाइंड करनी पड़ेगी जीरो फाइंड करना पड़ेगा ए फाइंड करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे हम वन पुट करें तो वन प्लस फोर फाइव और फाइव अगेन हमारे पास क्या होता है जीरो तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस फोर को डील करना तो एक्स स्क्र प्लस फोर को अगर हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अगेन एक्स माइनस वन से तो x माइनस वन से अगर हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है x प्लस वन जो कि क्या है आपके पास डिग्री जो है वो गेन सेम हो गई है यहाँ पे क्वेश्चन की और सॉरी नोमिनेटर की तो हम आ, हमने क्या किया x हमारे पास अगेन इस कम्प्लीटली इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया जी जीरो आ गया तो इससे अगेन मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन आपके पास आंसर आ गया तो इन दोनों को मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमने एक्स माइनस वन को थ्री टाइम यूज किया है और मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन करें तो ये क्या हमारे पास फॉर्म बनेगी कि ये जो कंप्लीट पोलिनोमियल है इसको हम चेंज कर सकते हैं फैक्टर्स में जो कि थ्योरम हमें फैक्टर थ्योरम बता रहा था विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ x नेक्स्ट जी हमारे पास एक क्रॉलरी है क्रोलरी हमारे पास क्या है नॉन हमारे पास एफ ऑफ एक्स पोलिनोम जो है वो डिग्री एन रखता है तो उसमें मोस्ट जो जीरो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा जो जीरो बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं एन जीरो बन सकते हैं एन नेक्स्ट हमारे पास है इन पोलिनोम नाउ व्हाट इज इड्यूसिबल पोलोनोमल पोलिनोम बेसिकली क्या है कि अगर हम एक ऐसा पोलोनोमियल विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स और जो, जो कि हम उसको रिड्यूस ना कर सकें या इन अदर वर्ड उसके हम फैक्टर में उसको फैक्टर uh, में कन्वर्ट ना कर सकें तो ऐसा जो पोलिनोमियल है वो इड्यूसिबल पोलोनोमल बन जाता है और और ऑफ कोर्स अगर ऐसा पोलोनोमल है जिसको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या होगा जी वो होगा ओवर फील्ड एफ एग्जाम्पल है जी हमारे पास यहाँ पे कि अगर हम एक्सक्र माइनस टू को देखते हैं तो एक्सक्र माइनस टू जो है वो अगेन फील्ड की रिस्पेक्टिव मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे फील्ड की रिस्पेक्टिव हम बात कर रहे हैं तो अगर हम फील्ड देखते हैं क्यू ऑफ एक्स तो क्यू एक्स में कोई जीरो नहीं रखता ये माइनस टू जो है वो कोई जीरो नहीं मतलब कि मैं अगर कोई भी ऐसा नंबर जो कि मैं रैशनल नंबर में से ले रहा हूँ वहां मैं पुट करूं और मेरे पास आंसर जीरो आ जाए ऐसी कोई कोई भी कोई को हमें वैल्यू नहीं मिलती तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सक्वेयर माइनस टू क्या है जी इड्यूसेबल है ओवर क्यू तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो सकती है जी अगर हम फैक्टर बनाना चाहें तो इसके फैक्टर कुछ इस तरह से बनेंगे अब अगर मैं एक्सक्र ऑफकोर्स मुझे एक में नहीं मिलता लेकिन अगर मैं इसी चीज को आर में देखू मतलब रियल नंबर्स में नंबर तो आ, ये जो है वो हमें हमें नजर आता है कि ये ये आपके पास र, र, नहीं रहेगा मतलब मतलब रिड्यूसेबल हो जाएगा मतलब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या अदर वर्ड हम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कैसे है जी कि हमें पता एक्स स्क् माइनस टू जो है उसको हम अगर फैक्टर बनाना चाहें तो वो क्या होगा एक्स माइनस अंडर ओ टू और अंडर ओ टू जो है वो हमारा बिलोंग करता है Uh, उसमें से रियल नंबर्स में से सिमिलरली जी नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें एफ ऑफ एक्स आपको बताया जाएगा कि एक्स क्यू uh, अभी हमने उसमें रैशनल नंबर में भी देख लिया रियल में भी देख लिया अब हम देखने जा रहे हैं अंडर मॉडलो फाइव में तो यहाँ पे हमारा फोलियो मिला है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस टू और हम जेड फाइव में देखने जा रहे हैं पहला काम हमारा क्या है कि इसको क्या ये इन है या नहीं है इसका डिफरेंट वेज है फाइंड करने के डिफरेंट तरह से हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन अभी जो हमें पता है जितना अभी हमने इसके बारे में स्टडी किया है उसके बारे में हमें सिर्फ ये पता है कि अगर उसको हम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए हमें जीरो चाहिए और जीरो बना जीरोज जीरो बनाने के लिए हम क्या करते हैं जो कि हम पहले सीख चुके हैं कि हम उस ओलोनोमियल में जस्ट वैल्यू हम पिक करते हैं फील्ड में से फील्ड की वैल्यूज को यहाँ प्लेस करते हैं हमें जिस जिस वैल्यू से जीरो मिल जाता है वो क्या हो जाती है वो उसकी रूट बन जाती है और उसको हम आ, फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं जो कि हमने प्रीवियस लिचुर में पढ़ा था जिसमें एक्स माइनस ए की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हम वही काम करते हैं अगर Z5 में से हम वैल्यूज प्लेस करते हैं जहाँ आप देख सकते हैं Z5 की हम तमाम की तमाम वैल्यूज प्लेस करते हैं लेकिन हमें किसी भी वैल्यू से जीरो नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या हुआ कि z5 फाइव में इसका कोई जीरो नहीं है और जीरो ना होने का मतलब है कि इसका मतलब हम इसको फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स जो है ये क्या है ये इ है ओवर uh, z5 फाइव फील्ड फील्ड के रिस्पेक्टिवली ये क्या है ये इ है अच्छा इन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास थ्योरम uh, थीरमोकोलॉजी की फॉर्म भी है कि लेट एफ ओफ एक्स जो है वो एफ ओ एक्स से बिलोंग करती है लेट एफ ओफेक्स बी ए डिग्री ऑफ टू और थ्री अब ये सिर्फ टू और थ्री के लिए वैलिड है अब होगा क्या देन एफ ओफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर एफ अब ये एफ ओ एक्स जो है वो रिड्यूसिबल हो जाएगा ओवर फील्ड एफ में इफ एंड ओनली इफ इट हैज आर जीरो इन अगर इसमें कोई एक भी जीरो की रिस्पेक्टिवली लायक करता है तो ये रिड्यूसिबल हो जाएगा Otherwise, ये क्या होगा Redusible होगा रिड्यूसिबल जो कि हमने इस एग्जाम्पल में भी देख लिया है नेक्स्ट क्रॉलरी है हमारे पास कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो एक पोलोमियल है इन एक्स अगेन अब ये क्रॉलरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस में किसके लिए लाइक कर रही है जेड uh, के लिए लाया कर रही है तो ये अगर हमारे पास Z में लाइ करता है देन क्या हो ए नॉर्ड जो है Z में लाई करने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जितने भी कॉफिशंट्स हैं हम रिंग पोलोनोम फील्ड पोलोनोमल के हवाले से पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि अगर ये पोलोनोमियल Z से बिलोंग करता है तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी कॉफिशेंट्स पाए जाते हैं जितने भी ए ए हैं वो सारे के सारे क्या होंगे वो इंटेग्रल कोई uh, इंटीजर इंटेग्रल वैल्यू होगी कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो कि क्वेश्चन फ्रैक्शन या किसी भी और फॉर्म में हो ये सारे के सारे इंटीजर्स होंगे अब नेक्स्ट क्या कंडीशन है जी के ए नॉट जो है वो आपके पास जीरो हो सॉरी uh, जीरो ना हो देन एफ है एक्स जीरो रखता होगा क्यू में रैशनल नंबर में, then it has a zero M in Z. तो ये क्या होगा फिर क्या होगा कि आपके पास एक जीरो एम भी लाए करता होगा जो कि जेड से बिलोंग करता होगा और एम क्या करेगा एम मस्ट डिवाइड ए नॉट मतलब यहाँ पे वो ए नॉट को मस्ट डिवाइड करता होगा इसी क्रॉलरी को मजीद एक्सटेंशन या मजीद और सिंप्लीफाई या अच्छे तरह से समझने के लिए आ, हमारे पास आ, नेक्स्ट एक आइसेंट टाइम क्राइटेरिया है सॉरी ये है आइसेंट स्ट्रींग क्राइटेरिया लेट पी बिलोंग्स टू जेड बी आर प्राइम सपोज दैट एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है इज इन जेड ऑफ एक्स देन क्या हो ए एन जो है दैट विल बी नॉट कॉन्ग्रेंट टू जीरो मॉड पी बट ए आई दैट विल बी कॉन्ग्रेंट टू जीरो मॉड पी अब यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियरली नजर आ रही है कि हमारे पास ए एन जो कि यहाँ पे एक्स एन का जो कि हाइस्ट पार जो होगी हमारे पास एक्स की उसका जो कॉफिशेंट होगा वो जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा पी के लेकिन ए आई ए आई मतलब कि तमाम के तमाम बाकी जो रिमेनिंग है वो पी के कॉन्ग्रेंट होंगे

अब ये इन कंडीशन को अगेन हम लास्ट जो क्रॉलर पढ़ी है उससे मजीद उसने और उसको क्लियर और सिंप्लीफाई कर दिया है कि हमारे पास जो कंडीशन हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो हमें क्लियर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास क्या है जी कि एक पोलिनोमील गिवन है ऑफ कोर्स इस पोलिनोमील ये पोलिनोमील जो है कहाँ से होगा ये जेडोफेक्स में होगा हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कॉप्शन हैं वो कहाँ से भी इंटीजर से आ रहे हैं हमने देखा जी कि हमारे पास जो फर्स्ट एक्स क्यूब यहाँ पे है जो का जो 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 का है वो जो प्राइम पी हमने जो भी पी में से पिक करना प्राइम होना चाहिए और उस वो जो पी है हमने यहाँ पे जो पी पिक किया वो थ्री लाइट किया है कि थ्री, थ्री, थ्री में देखें तो एट जो है ये आ, तो जीरो नहीं है लेकिन सिक्स जो है वो कॉन्ग्रेंट है जीरो मोड का नाइन भी है ट्वेंटी फोर भी है तो इसका मतलब बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं वो टू मोड जो कि यहाँ पे इस चीज को फुलफिल कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन uh, क्या है कि अगर हम ए, uh, ए नॉट की बात करते हैं ये हमारे पास क्या है ये नॉट नॉट है ए जो है जो ये अगर मैं ए नॉट को थ्री स्क्वे मतलब कि जो प्राइम है उसका स्क्वेयर लेके मैं फाइंड करूँ तो अगर मैं स्क्वेयर लेके फाइंड करना चाहूंगा तो मेरे पास यहाँ पे uh, जो आंसर है वो जीरो uh, में नहीं आएगा ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा 24 और 24 को अगर मैं यहाँ पे देखू थ्री करेंगे तो नाइन होगा और नाइन के कोरोस्पो यहां पे जीरो तो मॉड नहीं आएगा तो यहां इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसी सारी चीजें हो जाए तो देन क्या होगा इज ओवर हो जाएगा अब ये क्या है बाय हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये विद रिस्पेक्ट टू तो पी क्यू सॉरी पी इज इक्वल टू थ्री जो है ये इड्यूसेबल ओवर क्यू है आ, सो आ, ये यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर और अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज